हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजू नीटिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही सुंदर हैट का डिज़ाइन लेके आई हूँ, वुलन हैट। ये देखिए, दो कलर में बनाएंगे। मैंने ग्रे और येलो कलर लिया है, आप अपनी मनपसंद के कोई भी दो कलर ले सकते हैं। येलो कलर का बीच में डिज़ाइन डालेंगे। ज़्यादा कलर हमें ये वाला चाहिए, एक कलर ज़्यादा चाहिए, एक कलर थोड़ा कम चाहिए डिज़ाइन के लिए। तो मैंने ग्रे कलर ज़्यादा लिया और येलो कलर थोड़ा कम लिया। इसको बनाने के लिए हमें दो कलर की ऊन, ये देखिए 3 mm का मैंने क्रोशिया लिया, और सीज़र चाहिए। इसको आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं फ्रेंड्स, छोटे बड़े किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी कैसे इसका साइज़ बड़ा करना है, छोटा करना है। वो आगे आगे जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे बनाते हुए, वैसे वैसे मैं आपको डिटेल में बताती जाऊंगी। आप मेरे साथ साथ ही बनाना तो बिल्कुल आसानी से बनती जाएगी। मैं पूरा आपको बोल बोल के बताती जाऊँगी, तो आप मेरे साथ साथ ही बनाते जाना। फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कोई भी डिज़ाइन सिखाऊँ, कुछ भी सिखाऊँ, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बोल बोल के बताती हूँ, ताकि जब भी आप उस चीज़ को बनाने लगें, उस डिज़ाइन को बनाने लगें, कुछ भी बनाने लगें, तो बनाते समय आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए, बिल्कुल आसानी से उस डिज़ाइन को आप बना लें। ये हैट का डिज़ाइन भी मैं पूरा बोल बोल के बताती जाऊँगी, आप मेरे साथ साथ बनाते जाना, तो आसानी से बनता जाएगा। तो चलो फिर इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं कैसे बनाएंगे इसे। सबसे पहले हम ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए नोट लगा लिया मैंने। अब क्या करेंगे, अब हम 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से खींच देंगे। फर्स्ट वाले पे स्लिप स्टिच कर लेंगे पहले। ये देखिए स्लिप स्टिच कर दिया। स्लिप स्टिच करने के बाद ये देखिए यहीं इसे छोड़ेंगे, इसी चेन से हम पीछे इसे पीछे लेके आएंगे। ये देखिए इसी चेन में एक बार, दो बार निकाला। हर चेन में हमें दो दो बार सिंगल क्रोशिया निकालने हैं पूरे राउंड में। ये देखिए पूरे राउंड में 9 चेन में हमें दो दो बार डबल क्रोशिया निकालने हैं, सिंगल क्रोशिया निकालने हैं। ये देखिए पूरे राउंड में मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे हम इसे अटैच कर लेंगे पहले। स्लिप स्टिच अटैच करेंगे, फिर यहीं पे छोड़ के इसी चेन में पीछे क्रोशिया निकालेंगे। पीछे की तरफ लेके आएंगे, ये देखिए पीछे की तरफ लेके आए। इसी चेन में हमें ये देखिए सिंगल क्रोशिया निकाला। अब क्या करेंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया, दूसरी चेन में दो बार सिंगल क्रोशिया,
एक चेन में एक बार, एक चेन में दो बार, एक चेन में एक बार, एक चेन में दो बार, एक चेन में एक बार, एक चेन में दूसरी चेन में दो बार, पूरे राउंड में हमें ऐसे ही करना है। एक चेन में एक बार, एक चेन में दो बार, पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, पूरा कंप्लीट कर लिया। अब फिर से हमें यहाँ पे अटैच करना है, स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया, यहीं छोड़ेंगे। फिर से इसी चेन में पीछे की तरफ निकालेंगे, पीछे की तरफ लाए, ये देखिए। अब क्या करेंगे, दो चेन में हमें एक एक बार निकालना है, एक एक बार निकालना है, और तीसरी चेन में हमें दो बार निकालना है, एक दो, फिर दो बार निकाल लेंगे, दो चेन में सिंगल और तीसरी वाली चेन में दो बार, फिर दो चेन में सिंगल सिंगल, तीसरी वाली चेन में दो बार, पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, पीछे लाएंगे। अब क्या करेंगे, पहली चेन में हमने, पहले राउंड में हमने एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन में सिंगल क्रोशिया, एक चेन में दो बार, एक चेन में एक बार, एक चेन में दो बार। दूसरे राउंड में दो चेन में हमने सिंगल सिंगल बनाया, तीसरी चेन में हमने दो बार निकाला। अब तीन चेन में हमें सिंगल सिंगल निकालना है, फोर्थ वाली में दो बार निकालना है। जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ही करते जाना है। हर राउंड में हमें एक एक चेन, पहले एक, फिर दो, फिर तीन, अभी तीन सिंगल क्रोशिया बन रहे हैं, फिर नेक्स्ट में चार बार बनेंगे, फिर नेक्स्ट में पांच बार बनेंगे, और ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जाना है। अब तीन बार बन रहे हैं सिंगल क्रोशिया, फोर्थ वाली में डबल क्रोशिया दो बार बनाएंगे, दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन बार बनाएंगे, फिर दो बार डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे ऐसे करते जाना। फिर नेक्स्ट राउंड में हमें चार बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, चार चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है, पांचवी चेन में दो बार सिंगल क्रोशिया निकालना है, फिर नेक्स्ट राउंड में छः बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, और सातवीं में दो बार डबल सिंगल क्रोशिया निकालना है। ऐसे जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे ये हमारा इसका साइज़ बढ़ता जाएगा। आपने उतना साइज़ बनाना है जिस बच्चे का आप बना रहे हैं उस हिसाब से बनाएं कि उस बच्चे के सर पर वो लगा के देख लें, उसका साइज़ कंप्लीट करने तक जितने राउंड आपने बनाने हैं उतने बना सकते हैं। यहीं से आप इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर छोटा बनाना है तो राउंड कम कर लें, अगर बड़ा बनाना है तो उतने ही राउंड ज़्यादा कर लें। आपने जितने राउंड करने हैं उतने पहले राउंड ऐसे ही करके कंप्लीट करेंगे। अभी हमारा तीन चेन में सिंगल क्रोशिया चल रहा है, फोर्थ वाली में दो बार चल रहा है, नेक्स्ट में चार आ जाएंगे, पाँच आ जाएंगे, छः आ जाएंगे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाना है। पहले ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, बच्चे के सर के नाप का जितना बनाना है उतना बना लेते हैं पहले, फिर आगे आगे का पार्ट आगे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लिया है। इतना बनाने में मेरे यहाँ पे ये देखिए अलग से दिख रहा है, ये हमने डबल क्रोशिया निकाले हुए हैं, डबल सिंगल क्रोशिया एक चेन में दो बार निकाले हुए हैं, और यहाँ पर मेरे 15 हैं, 15 आए हैं यहाँ तक मैंने बनाया। अगर इससे आपने बड़े साइज़ में बनाना है तो एक दो रो और बना लें और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया और बढ़ जाएंगे। अगर छोटा बनाना है तो यहाँ से एक दो रो कम कर लें, 12 तक बना लें, मैंने 15 बनाए हैं। तो आगे क्या करेंगे, यहाँ मैंने अटैच कर दिया स्लिप स्टिच से, आगे हमें हर चेन में सिंगल क्रोशिया निकालते जाना है। अब हमें कहीं भी कोई भी सिंगल क्रोशिया ना तो बढ़ाना है और ना ही घटाना है, हर सिंगल क्रोशिया के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, हर चेन के अंदर। पहले हम बीच बीच में दो दो बार निकाल रहे थे एक चेन में, अब दो दो बार कहीं भी नहीं निकालना है फ्रेंड्स। अब बस हमें जितना साइज़ चाहिए था उतना बना लिया,
अब हर चेन में हमें ऐसे ही सिंगल क्रोशिया निकालते जाना है पूरे राउंड में। ये देखिए ऐसे ही निकालते हुए पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, यहीं पे छोड़ेंगे इसे। फिर से पीछे के साइड से क्रोशिया निकाल के पीछे की तरफ लेके आएंगे। ये देखिए अब सिंगल क्रोशिया। अब हमें ऐसे ही करते हुए पांच राउंड और करने हैं, पांच राउंड कंप्लीट करने हैं। हर सिंगल चेन में हमें सिंगल क्रोशिया निकालते जाना है, हर चेन में फ्रेंड्स सिंगल क्रोशिया निकालते जाना है, पांच राउंड कंप्लीट करने हैं। पांच राउंड पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे मैंने 10 रो कंप्लीट की है जिसमें ना तो कोई मैंने सिंगल क्रोशिया बढ़ाया ना ही घटाया, बस हर चेन में मुझे सिंगल क्रोशिया बनाती गई और यहाँ पे मैंने 10 रो बना के कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे अगर आपने ये देखिए ऐसे कैप के शेप में आना शुरू हो गया। आपने अगर और बड़ा बनाना है तो एक दो रो और बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोला कि 10 रो बनानी है तो आपने 10 ही बनानी है। आपने उस बच्चे का जिस बड़े का किसी का भी जिसका साइज़ आप बना रहे हैं उसके सर पे पहना के देख लें, आप उसके सर पे पहना के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी रो बनानी है। अगर 10 में उसके सर पे पूरा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप एक दो रो और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे कट करेंगे, अब दूसरा कलर ऐड करेंगे, दूसरा कलर ऐड करेंगे यहाँ पे। यहाँ से कट किया, पीछे से शुरू करेंगे। अच्छी तरह से पक्का कर ले। इसी चेन में हमें ये देखिए हाफ बनाया, फिर एक चेन स्किप करेंगे दूसरी वाली चेन में, एक दो, दो बार हाफ। ये देखिए हाफ मैंने डबल क्रोशिया बनाया, चारों को एक साथ निकाल लेंगे। फिर एक दो तीन, तीन चेन बनाए। फिर से यहाँ पे जो जॉइंट आया है वहाँ पे हमें हाफ निकाला, एक डबल क्रोशिया इसे माना, एक हाफ ये वाला निकाला। फिर से हमें ये देखिए यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया निकाला मैंने। अब इसके साथ वाली चेन में यहाँ से दो बार हाफ डबल क्रोशिया निकालेंगे, एक दो, दो बार यहाँ पे निकाला हाफ। फिर एक चेन स्किप करेंगे और दूसरी वाली चेन में ये देखिए दूसरी वाली चेन में हाफ निकाला, दो बार हाफ निकाला। ये देखिए हमारे पास सिक्स हैं तो सिक्स को एक साथ, ये देखिए सिक्स को एक साथ निकालेंगे। फिर यहाँ पे एक दो, फिर से यहाँ पे निकालेंगे हाफ, दो बन गए। फिर साथ वाली चेन में यहाँ पे साथ वाली चेन में यहाँ पे निकालेंगे दो बार, एक दो। फिर से एक चेन स्किप करेंगे नेक्स्ट वाली चेन में दो बार, ये देखिए दो बार हाफ। फिर सिक्स को एक साथ ऐसे निकालना है, ये देखिए ऐसे डिज़ाइन बनता आएगा। फिर से दो चेन, एक बार यहाँ से निकाल लेंगे एक डबल क्रोशिया, ये तीन चेन बनाए हैं इसे हाफ किया। फिर से साथ वाली चेन में हाफ, एक दो,
फिर एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट वाली चेन में दो बार हाफ करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए हाफ डबल क्रोशिया, फिर छः को एक साथ ऐसे निकाल देना, फिर से ऐसे जॉइंट किया, फिर से दो चेन, फिर से यहाँ से निकालेंगे हाफ, दो बन गए, फिर सात वाली चेन में एक दो, दो बार, फिर एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में दो बार हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए, फिर छः को एक साथ ऐसे निकालना है, ये देखिए पीछे ऐसा डिज़ाइन बनता आएगा। ऐसे ही करके हमें पूरा राउंड ऐसे ही करना है। पहले पूरा राउंड कवर कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पूरा राउंड मैंने बना के कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया है। अब क्या करेंगे, चेन बनाएंगे, तीन चेन बना लिए। यहाँ पे इसी होल में हमें एक बार हाफ डबल क्रोशिया निकालना है और ये देखिए, फिर एक बीच में चेन बनानी है, फिर इसी होल में यहीं पे एक हाफ डबल क्रोशिया, दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, फिर ऐसे निकालना है, ये देखिए, फिर नेक्स्ट वाले में ये देखिए, जहाँ पे हमने ये देखिए तीन का एक तीन में से निकाला था, ये देखिए यहाँ पे होल अलग से नज़र आ रहे हैं, यहाँ से फिर से हमें हाफ डबल क्रोशिया एक बार निकालना है, फिर दूसरी बार निकालना है, फिर ये देखिए, फिर एक बीच में चेन बनाना है, फिर से इसी होल में एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए ऐसे फूल फूल बनते जाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में आना है, एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया, दो दो बार निकालना फ्रेंड्स, निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर से एक बार, दो दो बार निकालना फ्रेंड्स, ऐसे निकालते जाना है। फिर नेक्स्ट वाले में आएंगे, एक बार, दो बार, ऐसे निकालते जाना है, और फिर एक बीच में चेन बनाते जाना है, एक बार, दो बार, फिर से, ये देखिए ऐसे फूल फूल बनते जाएंगे। नेक्स्ट वाले में आएंगे, एक बार, दो बार, फिर चेन, एक बार, दो बार, नेक्स्ट में एक, दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे, फिर बीच में एक चेन बनानी है, फिर से उसी होल में दो बार हाफ डबल क्रोशिया निकालना है, फिर से एक साथ निकालना है, ये देखिए ऐसे ऐसे करते हुए पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। पूरे राउंड में ऐसे ही करते जाना फ्रेंड्स, एक बार हाफ डबल क्रोशिया, दो बार हाफ डबल क्रोशिया, तीनों को एक साथ निकाला, फिर एक चेन बनाई, फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया, दो हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक, दो, दो बार निकाल के फिर एक साथ निकाल देना है, फिर एक बीच में चेन बनानी है, फिर से उसी होल में दो बार और निकालना है हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में ऐसे ही फ्रेंड्स निकालते जाना है। हमारे फूल फूल बनते जाएंगे, हमारे पास फूल फूल बनते जाएंगे। जब एक बार हम निकाल लेंगे, फिर बीच में एक चेन बनानी है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट में आएंगे, जब नेक्स्ट में आएंगे तो चेन नहीं बनानी है, ये देखिए हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पे हमें जब एक बार निकाल लेंगे तो फिर दूसरी बार ही निकालना है, तो बीच में एक चेन बनानी है, पहले एक बार, दो बार, तीनों को एक साथ निकालेंगे, ये देखिए ये ऐसे बनता जाएगा। पूरा राउंड हमें
ऐसे ही बना के कंप्लीट करना है। पहले पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे स्लिप स्टिच से हमें अटैच करना है। यहाँ से इसको कट कर देंगे। अब दूसरा कलर ऐड करेंगे, ये देखिए। अब दूसरा कलर ऐड करेंगे, ग्रे कलर। नोट लगाएंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे दो बार हमें निकालना है, इसमें एक बार निकालना है। यहाँ पे हमें दो बार निकालना है सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे हमें एक बार निकालना है। यहाँ पे सेंटर में दो बार निकालना है, यहाँ पे एक बार निकालना है। यहाँ पे हमने जो फूल बनाया है वहाँ पे हमें सेंटर में दो बार निकालना है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाली में एक बार। ये देखिए, इसमें दो बार निकाल लेंगे, इसमें एक बार निकाल लेंगे। यहाँ हमने चेन ली थी फ्रेंड्स, वहाँ पे दो बार निकालना है। यहाँ पे ये देखिए, आगे बढ़ने के लिए हमने चेन नहीं बनाया था, वहाँ पे एक बार निकालना है। ये देखिए, पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे मैंने, ये देखिए, यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया। यहीं पे छोड़ेंगे, पीछे से ऐसे निकाल के पीछे की तरफ लेके आएंगे। फिर यहाँ पे शुरू करेंगे। अब हमें ये देखिए, एक चेन, हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये देखिए, सात बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया। और आठवीं चेन में हमें दो बार डबल क्रोशिया निकालना है, एक, दो, ये देखिए, दो बार निकालना। फिर से हमें हाफ डबल क्रोशिया सात बार निकालना है, एक, दो। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चेन में दो बार निकालना है, ये देखिए, एक चेन में दो बार डबल क्रोशिया। फिर से हाफ डबल क्रोशिया हमें सात बार निकालना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। फिर नेक्स्ट वाली चेन में, आठवीं चेन में डबल क्रोशिया दो बार, फिर से सात बार हाफ डबल क्रोशिया। ऐसे ही करते हुए पूरा राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पूरा राउंड मैंने बना के कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद इसे यहीं पे छोड़ के, ये देखिए, पीछे की साइड से निकालेंगे क्रोशिया। पीछे की साइड लेके जाएंगे, ये देखिए,
यहीं पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब सात बार हाफ डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छ सात, यहाँ पे ये देखिए आठवें वाले में दो बार डबल क्रोशिया, फिर आगे आठ में हमें हाफ डबल क्रोशिया निकालना है, आठ चेन में हाफ डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये देखिए अब नौवें वाले में दो बार डबल क्रोशिया। ऐसे ही फ्रेंड्स आगे आगे बढ़ता जाएगा, पहले सात बार हम निकाल रहे थे, सेकंड रो में आठ बार निकालना है, नेक्स्ट में नौ बार निकाल लेंगे, नौ बार निकालने के बाद नाइन बार निकालने के बाद टेंथ में हमें दो बार डबल क्रोशिया निकालना है, ऐसे ऐसे आगे आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। फिर से हमें आठ बार निकालना है हाफ डबल क्रोशिया, नाइन्थ में हमें दो बार डबल क्रोशिया, ये देखिए ऐसे ही करते हुए हमें जितनी आपने फ्रिल बनानी है उतना पहले उतने राउंड पहले कंप्लीट कर लें। ये सेकंड राउंड चल रहा है, अगर आपने जितनी बड़ी इसकी फ्रिल बनानी है उतनी बना सकते हैं, पांच राउंड कर सकते हैं, चार राउंड कर सकते हैं, सात राउंड कर सकते हैं, जितनी आपने बनानी है पहले उतनी बना के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने चार राउंड बना के कंप्लीट कर लिए हैं, अगर आपने और थोड़ी और बड़ी बनानी है तो एक दो राउंड और कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छी तरह से बताने की, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें, बेल आइकन फ्रेंड्स ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर योर टाइम, आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ।